बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, मेवात आजता। झारखंड सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले से अंधभक्तों में खलबली मची हुई है, सर्वधर्म समान की बातें करने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से प्रकाश में आ रही है, जहां पर झारखंड विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने मुसलमान विधायकों के लिए उनकी नमाज के लिए विधानसभा की नई बिल्डिंग में एक कमरा आवंटित कर दिया, जिसको लेकर अंध भक्तों में खलबली मच गई। उनको ये चीज रास नहीं आई कि मुसलमानों के लिए उनकी नमाज के लिए एक अलग कमरा दिया जाना, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। तरह तरह की बातें की जाने लगी कि किस तरह से देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी की जा रही है, देश के हिंदुओं को, देश के बहुसंख्यक लोगों को समान दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, बात यहां तक ही सीमित नहीं रही। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं सीपी सिंह, उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि झारखंड विधानसभा के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, उसके अंदर एक बड़ी हनुमान की मूर्ति रखनी चाहिए। दोस्तों, पहले हम आपको भाजपा नेता सीपी सिंह का वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर साहब को चाहिए कि चूंकि झारखंड विधानसभा के अंदर 82 सदस्य हैं, इसमें 4 हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं, आप उनके लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं, तो बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दोस्तों, आपने भाजपा के नेता सीपी सिंह का यह बयान सुना कि किस तरह से उन्होंने झारखंड विधानसभा के लिए सलाह देना शुरू कर दिया, जबकि विधानसभा के अंदर सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन भाजपा नेता सीपी सिंह ने तो यहां तक भी कह दिया, अगर विधानसभा स्पीकर हमें इजाजत दें तो हम अपनी तरफ से एक भव्य मंदिर का अपने पैसों से निर्माण करवा सकते हैं, हिंदू भाइयों को उकसाना शुरू कर दिया। हालांकि था कुछ भी नहीं, था मुसलमान लोगों के लिए एक कमरे में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, जिसकी मंजूरी विधानसभा अध्यक्ष ने खुद दी थी। झारखंड सरकार के इस फैसले को आते ही ये अंधभक्त सर्वधर्म समान की बातें करने लगे। हालांकि आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कि देश के अंदर किस तरह से मुसलमानों को धर्म के नाम पर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हाल ही में कई मामले यूपी के आए थे, मध्य प्रदेश के आए थे, लेकिन तब इन अंधभक्तों के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला सर्वधर्म समान के लिए। लेकिन आज जब विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी पर मुसलमान विधायकों के लिए नमाज पढ़ने के लिए कमरा दिया गया, तो इन अंधभक्तों को मिर्ची लग गई। दोस्तों, ये अंधभक्त सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर मैं भी इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, उसका जवाब आप दोगे अपने कमेंट के जरिए से कमेंट बॉक्स में। मेरा सवाल ये है कि साल 2019 में दीपोत्सव के मौके पर जिस तरह से 5.5 लाख दिया जलाए गए, सजावटें की गई, 1.3 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया गया, लेकिन तब इन अंधभक्तों के मुंह से सर्वधर्म समान के लिए एक लफ्ज तक नहीं निकला कि आप क्यों इस तरह से सजावटें करवा रहे हो, ऐसी सजावटें मुसलमान भाइयों के मुहर्रम में भी होनी चाहिए। लेकिन तब ये अंधभक्त सवाल क्यों खड़े करते, क्योंकि उसमें इनके गुरुओं की, मोदी जी और योगी जी की मिली भगत की, पानी की तरह सरकारी पैसा व जनता का पैसा बहाया गया। दोस्तों, मैं उसको सरकारी पैसा नहीं कहूंगा, बल्कि जनता के खून पसीने का पैसा इन लोगों ने बहाया था और देश के लोगों को प्रताड़ित किया था। दोस्तों, उस मौके पर भी इन लोगों ने हिंदू भाइयों के साथ भ्रष्टाचार किया था, हिंदू भाइयों को धोखा दिया था, क्योंकि दीपोत्सव के मौके पर 1.3 करोड़ रुपए खर्च हुआ ही नहीं था। वो आपने खुद देख लिया है कि किस तरह से इन लोगों ने देश के लोगों के साथ गद्दारी की, देश के लोगों का खून पसीने का पैसा इन लोगों ने किस तरह से पानी की तरह बहाया और अपनी जेब के लिए कमाया। ये लोग दो धर्मों को बांटने की, दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि हम वोट बटोर सके, अपनी सत्ता हासिल कर सके। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।